हेलो जी, और बताओ कैसे हो। तो आज हम बनाने वाले हैं खा के पियो या पी के खाओ। नहीं समझी, इसका मतलब ये है कि आज हम बनाने जा रहे हैं सूपी नूडल्स, पर मेरे स्टाइल में। तो चलो बनाते हैं हम सूपी नूडल्स। यहाँ पे हम ले लेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल, और इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, और इसमें मैंने दो मीडियम साइज़ प्याज ऐड किए हैं। और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने टमाटर भी दो ऐड किए हैं मीडियम साइज़ के, और बिल्कुल ना बारीक कटे हुए टमाटर यूज़ करना, प्याज भी, ताकि जल्द से जल्द ना वो पक जाए। और वैसे भी मैगी तो हमारी पकती है नहीं दो मिनट में, ठीक है। तो अगर हम प्याज और टमाटर भी बड़े बड़े कट कर दिया हमने, तो फिर तो और ही लेट होना है, तो ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से ये होगा ना कि आपका जो प्याज और टमाटर है वो जल्द से जल्द गल जाएगा। नमक डालने के बाद हम इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और इसके बाद देखो ये कितने अच्छी तरीके से ना गल गए टमाटर और प्याज जो थे ना, बिल्कुल अच्छे से गल गए। तो इसके बाद अब हम इसमें ना मसाले ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर ऐड किया है धनिया, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और हल्दी भी ऐड कर दिए थोड़ी सी, और इसके बाद हरी मिर्च भी ऐड करना है हमें, ठीक है। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, और इसके बाद हमें ऐड करना है केचप। केचप ऐड करने से ये होगा कि आपकी जो मैगी होगी ना वो और ज़्यादा चटपटी सी हो जाएगी, तो इसलिए केचप भी ऐड ज़रूर करना। और इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर भी ऐड किया। बटर ऐड करने से ये होता है कि आप, क्योंकि हमने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मसाले ऐड किए हैं, तो अगर बटर ऐड करोगे तो इससे थोड़ा सा ना जो फ्लेवर है वो माइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बटर भी ऐड कर देना। तो जब सभी मसाले भुन जाए अच्छी तरीके से, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, ठीक है, तो इसके बाद ही हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया है, क्योंकि जो मैं मैगी ले रही हूँ वो 10 वाली मैगी ले रही हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे सूपी नूडल्स बना रहे हैं। तो 2 ग्लास पानी आपको ऐड करना है, और इसके बाद जब एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद ही आपको मैगी ऐड करनी है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें अपना मैगी मसाला डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल के इसे कवर कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको कवर करना है, ये जल्द से जल्द बन जाएगी। और इसके बाद जैसे ही आपका रेडी हो जाता है, तो उसके बाद ही हमें इसमें लेमन जूस ऐड करना है। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा चटपटा खाना पसंद है तो आप लेमन जूस ऐड कर देना, और थोड़ी सी धनिया, और मैंने थोड़ी सी ना आलू भुजिया भी ऐड कर दिया, जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको बेहद पसंद आएगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। Thank you.